नमस्कार दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने बहुत सारे विदेशी नागरिक आते हैं, साथ साथ कई सारे नेपाली भी माउंट एवरेस्ट को फतह करते हैं और ये अपने आप में एक प्राउड की बात होती है। हर सीजन कहीं ना कहीं इसको लेकर नेपाल की सरकार बहुत सारे नियमों में बदलाव करती है और इस बार एक ऐसा नियम बदलाव हुआ है जो कहीं ना कहीं ट्रैकर्स की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि नियम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि अब जो भी ट्रैक करेगा माउंट एवरेस्ट को, वो माउंट एवरेस्ट पर पूप नहीं कर सकता, ह्यूमन वेस्ट नहीं निकाल सकता, यानी कि वहां पर पॉटी नहीं कर सकता। और ऐसा नियम में परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए नेपाल की सरकार ने यहां पर ये इम्प्लीमेंट किया है रूल। अब ये काम कैसे करेगा, यानी कि कैसे लोग वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर चढ़ेंगे और पूप भी नहीं कर सकते वहां, उसके लिए लोगों को पूप बैग कैरी करना पड़ेगा और उस पूप बैग में ही एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, यानी कि अपना वेस्ट निकालना पड़ेगा और उसको पैक करके वापस लाना भी होगा। जब एवरेस्ट से नीचे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक लोड भी बढ़ जाएगा, तो ये कतई मुश्किलें जरूर बढ़ाने वाला है कई सारे क्लाइंबर्स की। लेकिन हालांकि एक अच्छा कदम है जिससे एवरेस्ट पर गंदगी नहीं होगी। आपकी क्या है इस नए नियम पर राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NINews।